नमो शिवाय श्री शिव पुराण चौथा खंड अध्याय छेवां। ब्रह्मा जी कहन लगे, हे नारद, अजिहे समय विच एक नारद ना दे ब्राह्मण नू जो अजामेद करदा सी, यज्ञ विच बलि देन ले एक बकरे दी लोड़ होई। तद सकंद दा बकरा जो वरुण ने भेंट कीता सी, वो सकंद दी इच्छा जान के नारद ब्राह्मण वाल भज गया। नारद ने उस बकरे नू यज्ञ लई सब तरह योग जान के फड़ लिया अते यज्ञ दी होर सारी समग्री इकट्ठी कीती। किस्मत नाल नारद किसे दूजे पिंड गया। तद बकरा ब्राह्मण दे जान दे बाद मंच उखाड़ के अपने घर भज गया। फिर वो सत्ता टापुआ अते धरती नू जीत के धरती थले चला गया अते शेष लोक दे बाद उसने पताल लोक नू भी जीत लिया। इसके बाद वह फिर उपर दे लोक नू चला गया। पहला हो गले विच रस्सी बांध के स्वर्ग लोक गया, फिर आकाश ते भी उसने जीत प्राप्त की। फिर सारे ब्रह्मांड दी जीत प्राप्त करके वह विष्णुपुरी जा पुजा। जद नारद ब्राह्मण उस पिंड परत्या तां उसने देखा कि उत्थे बकरा नहीं सी, सिर्फ रस्सी ही बनी हुई है। उस समय हैरान होके उसने सब तो पूछया। तद सब ने यह उत्तर दिता कि असी उसनु जानते हुए नहीं देखा। पता नहीं वह बकरा सी जां की सी, क्योंकि उसके शरीर दे तेज दिखाई दिंदा सी, मनो ओ अग्नि दा रूप होवे। नारद ब्राह्मण बकरे दे इस तरह चले जानते बहुत परेशान होए। फिर उसने विद्वान पंडिता आदि नु बुला के अते तद सब वेरवा सुनाया अते पुछया कि तुहाडे लोकां दी की राय है। मेरा ता सब मेहनत बेकार गई, हुन मैं की करां। सकंद दा इह चरित्र जान के सब ब्राह्मण कहन लगे, ब्राह्मण तारक दैंत दे अंत लई सकंद ने अवतार लिया है अते उन्हां सब देवतावां ने अपने अपने शस्त्र हथियार दित्ते हन। सो हुन यही ठीक है कि तुसी उन्हां कोल जाके ही सब लाभ हाल कहो। हे नारद, विद्वान ब्राह्मणा दे अजिहे कथन सुन के नारद ब्राह्मण उत्थों चल के सकंद दे दरवाजे पुज्जा अते द्वारपालका नू कहा कि तुसी सकंद नू कहो कि नारद दा नां एक ब्राह्मण दरवाजे ते खड़ा है। जो द्वारपाल ने पुछया तुहाडा की मनोरथ है। तद नारद ने द्वारपाल नू सब किस्सा सुनाया। उसनु सुन के द्वारपाल सकंद कोल गया अते बेनती कीती कि हे स्वामी, दरवाजे ते नारद नां दा एक ब्राह्मण जिद करके तुहाडे दर्शनां लई खड़ा होया है। तद सकंद ने हास के उत्तर दिता, नारद साडा परम भगत है, तुसी उसनु छेती अंदर ले आओ। सो नारद ने अंदर जाके सकंद नु प्रणाम किया, वेद दे अनुसार प्रार्थना की अते ए बेनती की कि जो बकरा यज्ञ ले लियाया सी ओ उत्थों भज गया है। बड़ी हैरानी दी गल है कि तुहाडे राज विच रह के इस तरह यज्ञ अधूरा रह गया, इस लई मेरे इस दुख नू दूर करो। हे नारद, ब्राह्मण दे इह कथन सुन के सकंद ने अपने गण वीरबाहु नू सद्या अते कहा कि तुसी इस वेले नारद दे बकरे नू लभ के दिओ। जिथे किते भी तुहानू बकरा मिले उसनू फड़ के छेती इत्थे लै आओ। सकंद दी आग्या पा के वीरबाहु अपनी फौज नाल बकरे दी खोज विच उसे समय उत्थों गया। उसने उस बकरे दे तिन्ना भवना अते हेठां दे लोकां विच लब्भन दे बाद विष्णु लोक विच उत्पात उथल पुथल मचांदे होए देखिया। वीरबाहु उसके सिंगां नू फड़ के घसीट लियाया अते सकंद नू सौंप दिता। सकंद उस बकरे नू देख के हसे अते उसते दयालु होए। फिर उन्होंने अपने वाहन की ताकत नू दिखलाउन लई उसनू इन्नी ताकत दिती कि वह मन के बराबर गति नाल अन्यानास व्यर्थ ही तिन्ने भुवनां विच फिरिया अते इह महूरत भर विच तिन्ने लोकां विच घूम के परत आया। जद सकंद परत के घर पुज्या तां खुश होके उस तों उत्तर दे अंदर गए। तद नारद ब्राह्मण ने सकंद नू कहा, हे महाराज महाराज, हुण मेरी यज्ञ दा समा आ गया है, सो तुसी बकरे नू दे दिओ। हे नारद, ब्राह्मण नारद दे इस तरह दे कथन सुन के सकंद ने कहा,
हे ब्राह्मण, यह बकरा बली दे योग नहीं है, क्योंकि यह साडा वाहन है। तुसी जो फल यज्ञ करके प्राप्त करना चाहते हो, असी वह तुहानू बिना यज्ञ दे ही देंदे हाँ। नारद ब्राह्मण की इस गल सुन के हाथ जोड़ के प्रार्थना करन लगा अते सकंद जी का यश गान करदा होया अपने घर परत गया। तद देवतावां अते मुनिया आदि ने सकंद की प्रार्थना करन दे बाद बेनती कीती, स्वामी साढ़े उत्ते जो कोई कष्ट हन तुसी उन्हां नूं दूर करो। सकंद ने हस के उत्तर दिता, तुहानू जिसने इन्ना दुख दिता है, असी अपने गना सहित जाके उसका उद्धार करांगे अते एक वार विच दैंता दी सेना नष्ट कर देवांगे। तुसी शिवजी जी जेहड़ी सेवा कीती है उसका फल जरूर मिलेगा। हुण तक जो होया है उसनू शिव दी लीला सी समझो। शिव जी अपने भगतां नू सदा आनंद प्रसन्न रखदे हन, दुष्टां दे लई भयानक हन। इस तरह सकंद ने मुँह ते शिव लीला दा वर्णन सुन के देवता लोग बहुत प्रसन्न हो गए, जय जयकार करन लगे। इति अध्याय 6 समापन।